मतदाताओं के लिए लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में 30 प्रत्याशियों के टिकट का ऐलान किया गया है, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के भी नाम हैं। इसके अलावा पार्टी ने रमन सिंह के खिलाफ भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सभी मंत्रियों को फिर से टिकट दे दिया है। इसके अलावा सांसद दीपक बैज को फिर से विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। राजनंदगांव से सबसे चौंकाने वाला चेहरा चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को पार्टी ने चुनावी मैदान पर उतारा है। राजनंदगांव से गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहीं रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के काका और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके दूर के भतीजे विजय बघेल के खिलाफ पाटन से टिकट दिया गया है। उन्होंने 2003 से पाटन का प्रतिनिधित्व किया है। वह 2014 से 19 तक पीसीसी प्रमुख भी रहे हैं। उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम भी किया है।